गुड इवनिंग, वेलकम बैक। नमस्कार, मैं सुनील द्विवेदी, आपका इंग्लिश मास्टर। एक बार बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आज हम लोग बात कर रहे हैं सिनोनिम्स पार्ट 11। सिनोनिम्स की सीरीज में आज पार्ट 11 की बात कर रहे हैं। और ये रहे आपके वर्ड्स, फटाफट नोट करें, नोट करिए फटाफट। तो पहला वर्ड आपका है, योर फर्स्ट वर्ड इज मॉडलिंग। और आपको पता है कि ये वर्ड्स हम लोग या तो एटिमोलॉजी से सीखते हैं या इनका निमोनिक बनाते हैं, माइंड में करते हैं। तो आपका पहला वर्ड मॉडलिंग है। बच्चों, मॉडलिंग का मतलब होता है इमोशनल। भावनात्मक मॉडलिंग का मतलब होता है सेंटिमेंटल, इमोशनल, सेंटिमेंटल, भावनात्मक कहलाता है, मॉडलिंग कहलाता है। इसको लर्न करने के लिए एक निमोनिक बना लो, मॉडलिंग बना लो, मॉडलिंग। कि जो लोग मॉडलिंग करते हैं वो बहुत ही मॉडलिंग होते हैं, सेंटिमेंटल होते हैं, इमोशनल होते हैं, भावनात्मक। अगला वर्ड मैब्रिक। मैब्रिक का मतलब होता है वह इंसान जो किसी का विरोध करता है। मैब्रिक का मतलब होता है एक तरह से रिबेल, विद्रोह करने वाला। मैब्रिक का मतलब होता है आइकनोक्लास्ट, एक इमेज ब्रेकर, रिबेल कहलाता है, विद्रोह कहलाता है। यानी कि वह इंसान जो किसी का विरोध करता है, वन हू गोज अगेंस्ट समथिंग, मैब्रिक कहलाता है। इसका एक रूट है, सैमुअल मैब्रिक नामक एक व्यक्ति थे जिन्होंने वहां की सरकार का, ब्रिटिश सरकार का, गवर्नमेंट रूल का विरोध किया था। तो सरकार के नियमों का विरोध करने वाला रिबेल, आइकनोक्लास, मैब्रिक कहलाता है। अगला वर्ड है मैक्सिम। मैक्सिम का मतलब होता है सेइंग, कहावत कहलाता है, एक्जियम कहलाता है, एडेस कहलाता है, एफोरिज्म कहलाता है, क्लीशे कहलाता है, डिक्टम कहलाता है, पोस्टुलेट कहलाता है, प्रिसेप्ट कहलाता है, प्लेटिट्यूड कहलाता है। बच्चों, इन सब का मतलब होता है कहावत कहलाता है। और कहावतें कैसी होती हैं? जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, एक सेइंग है, एक कहावत है, मैक्सिम है। जैसे एक फेमस कहावत है डॉक्टर एपीजे कलाम की, कि ड्रीम इज नॉट दैट लेट यू स्लीप, ड्रीम इज दैट लेट नॉट यू स्लीप। सपना वह नहीं होता जो आपको सोने देता है, सपना वह होता है जो आपको सोने नहीं देता है। तो अगर आपने सपना देखा है गवर्नमेंट जॉब पाने का, तो ये सपना तब साकार होगा कि आप जब भी पढ़ाई करें तो आपको नींद ना आए,
प्रॉपर पढ़ाते रहे। चलिए नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं, अगला वर्ड आपका है मेडिएट। मेडिएट का मतलब होता है वह इंसान जो झगड़े निपटाता है, यानी कि वन हु सेटल्स डिस्प्यूट, जो झगड़े निपटाता है मेडिएट कर, सॉरी मेडिएट का मतलब होता है देखिए जो झगड़े निपटाता है वो मेडिएटर कहलाता है। वन हु सेटल्स डिस्प्यूट मेडिएटर कहलाता है, और मेडिएट का मतलब होता है टू सेटल डिस्प्यूट, झगड़े निपटाना, यानी कि दो पार्टी के बीच में मध्यस्थता करना मेडिएट करना होता है। मेडिएट से मेडिएटर बन जाता है और मेडिएशन बन जाता है। अगला है मेलिफ्लुअस। बच्चों मेलिफ्लुअस का मतलब होता है स्वीप गोइंग, ये इजी गोइंग, आसानी से चलने वाला, इजी गोइंग मेलिफ्लुअस कहलाता है। देखिए बनाया कैसे गया, मेली का मतलब होता है स्वीट और फ्लो में होता है फ्लो, स्वीट फ्लोइंग। अगर किसी का जीवन आसानी से चल रहा है, इजी हो रहा है, तो ही इज लिविंग अ मेलिफ्लुअस लाइफ, पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव। अगला है मेंडेसियस। मेंडेसियस का मतलब होता है लाइंग, झूठ बोलने वाला, डिसऑनेस्ट बेईमान कहलाता है। विकेट मेंडेसियस कहलाता है, झूठा बेईमान कहलाता है। और मेंडेसियस का नाउन बन जाता है मेंडासिटी, नाउन क्या बन जाता है मेंडासिटी। नेक्स्ट वर्ड बच्चों, नेक्स्ट वर्ड आपका है मेंडिकेंट। मेंडिकेंट का मतलब होता है बेगर, भिखारी कहलाता है। पॉपर कहलाता है, लैकी कहलाता है, वह इंसान जिसको हर चीज की कमी रहती है मेंडिकेंट कहलाता है, भिखारी कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड आपका मेंटोर। बट मेंटोर का मतलब होता है ट्यूटर, कोच, काउंसलर, ट्यूटर, कोच या काउंसलर मेंटोर कहलाते हैं। देखो अगर टीवी पे जो प्रोग्राम आते हैं डांस वाले, सॉन्ग वाले, तो उन सब के जो डांसर या सॉन्ग करने वाले लोग होते हैं उनके अपने मेंटोर होते हैं, टीचर होते हैं, ट्यूटर होते हैं, जो उन्हें सिखाते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपका है मर्सनरी। मर्सनरी मतलब होता है किराए का सैनिक। मर्सनरी का मतलब होता है वन हु वर्क्स फॉर मनी, वह इंसान जो किराए के लिए काम कर, सॉरी पैसे के लिए काम करता है, वो किराए का टट्टू, किराए का सैनिक मर्सनरी कहलाता है। वन वर्क फॉर मनी। इसके लिए बढ़िया से लिंक बना लो, या बना लो मर्सी, यानी वह सैनिक जिसके दिल में अपने देशवासियों के लिए कोई मर्सी ना हो, दया ना हो, वो सिर्फ पैसे के लिए काम करे, तो मर्सनरी कहलाता है, किराए का सैनिक कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड आपका मर्क्यूरियल। मर्क्यूरियल का मतलब होता है चंजेबल, परिवर्तनशील, अनप्रिडिक्टेबल, जिसके बारे में हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, जो परिवर्तनशील होता है मर्क्यूरियल कहलाता है।
अब देखिए मर्क्यूरियल कैसे बनाया गया, ये बनाया गया मरकरी से। आपने देखा मरकरी पारा होता है, जो चेंज होता रहता है, यानी जिसका स्वभाव मरकरी जैसा होता है मर्क्यूरियल कहलाता है, चेंजेबल कहलाता है, परिवर्तनशील कहलाता है। लेट्स हैव अ क्विक रिवीजन। मॉडलिन इमोशनल कहलाता है, भावनात्मक कहलाता है। मैवरिक रिवेल विद्रोह करने वाला। मैगजिम सेइंग कहावत। मेडिएट सेटल डिस्प्यूट। मेलिफ्लुअस स्वीट फ्लोइंग। मेडेसियस लाइंग झूठा। मेडिकेंट बेगर भिखारी। मेंटोर ट्यूटर टीचर। मर्सनरी किराए का सैनिक। वन हू वर्क फॉर मनी। और मर्क्यूरियल होता है चेंजेबल या परिवर्तनशील कहते हैं। आइए बच्चों नेक्स्ट वर्ड्स डिस्कस करते हैं। लेट्स हैव टेन अनदर वर्ड्स। बहुत फ्रिक्वेंट पूछे जाने वाले वर्ड्स हैं, हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड्स हैं, इनको बहुत अच्छे से पढ़िएगा। नेक्स्ट पहला वर्ड आपका है मेटामॉर्फोसिस। METAMORPHOSIS मेटामॉर्फोसिस। माइक्रोकॉज्म MICROCOSM माइक्रोकॉज्म। मिल्यू MILIEU मिल्यू। मिनिस्क्यूल MINUSCULE मिनिस्क्यूल। मिजेंथ्रोपिक MISAMTHROPIC मिजेंथ्रोपिक। मिटिगेट MITIGATE मिटिगेट। मॉलिफाई MOLLIFY। मोनोलिथिक MONOLITHIC मोनोलिथिक। मॉरीबंड MORIBUND मॉरीबंड। मोरोस MOROSE मोरोस कहलाता है। आइए लेट्स हैव अ रिवीजन। लेट्स नोट दीज वर्ड्स। पहला वर्ड फटाफट नोट करें मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस मतलब होता है अ बिग चेंज इन फॉर्म, किसी आकार में एक बड़ा बदलाव मेटामॉर्फोसिस कहलाता है। लर्न कैसे करोगे? मेटा का मतलब बिग होता है, मॉर्फ मींस होता है शेप, किसी की शेप में किसी के आकार में बड़ा बदलाव मेटामॉर्फोसिस। पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है और इसका वर्ब बन जाता है मेटामॉर्फोस का मतलब होता है टू मेक अ बिग चेंज, बड़ा बदलाव करना। इसको देखिए यूज कर सकते हैं, दिस COVID-19 हैज ब्रॉट अ मेटामॉर्फोसिस इन द लाइफ स्टाइल ऑफ द पीपल ऑफ द वर्ल्ड। लोगों की लाइफ स्टाइल में बहुत बड़ा बदलाव आया हुआ है। अगला है माइक्रोकॉज्म। माइक्रोकॉज्म होता है स्मॉल वर्ल्ड, छोटा संसार। बनाया कैसे गया बच्चों? माइक्रो का मतलब स्मॉल होता है, कॉज होता है वर्ल्ड, छोटा संसार, माइक्रोकॉज्म। और कॉस्मिस वर्ड होता है, इसी से बना हुआ कॉस्मोस होता है, कॉस्मोपॉलिटन होता है एक वर्ड, लवर फॉर वर्ड। और माइक्रोकॉज्म का अपोजिट हो जाएगा
मैक्रोकॉस्म, बिग वर्ड वाला संसार। अगला वर्ड, नेक्स्ट वर्ड आपका है मिल्यू। मिल्यू का मतलब होता है एनवायरमेंट, आसपास का पर्यावरण, एनवायरमेंट मिल्यू कहलाता है। नेक्स्ट मिनिस्क्यूल। मिनिस्क्यूल का मतलब होता है वेरी वेरी माइन्यूट, बहुत छोटा, या वेरी वेरी स्मॉल, बहुत छोटा, या टिनी, वेरी स्मॉल, माइन्यूट, टिनी, मिनिस्क्यूल कहलाता है। और लर्न करना बहुत आसान है, बना लो मिनी, मिनी, टिनी, छोटा, मिनिस्क्यूल कहलाता है। अगला है मेजर टॉपिक, इसका मतलब होता है हेटिंग मैनकाइंड, मानवता से घृणा, मेजर ट्रॉपिक कहलाता है। कैसे बनाया गया? मिस का मतलब हेट होता है और एंथ्रोपी होता है मैनकाइंड, हेटिंग मैनकाइंड, मानवता से घृणा। और मेजर ट्रॉपिक का अपोजिट हो जाता है फिलैंथ्रोपिक, और दोस्तों फिलैंथ्रोपिक होता है लविंग मैनकाइंड। मेजर ट्रॉपिक रखने वाले लोग मेजर थ्रोपिस्ट कहलाते हैं, और फिलैंथ्रोपी रखने वाले लोग फिलैंथ्रोपिस्ट कहलाते हैं। अगला वर्ड मिटिगेट। मिटिगेट का मतलब होता है लेसन, कम करना। कर्टल करना, एब्रिस करना, छोटा करना, या एलिविएट करना, मिटिगेट करना होता है। और मिटिगेट वर्ब है, इसका नाउन बन जाता है मिटिगेशन। नेक्स्ट वर्ड बच्चों, नेक्स्ट वर्ड आता है मॉडिफाई। मॉडिफाई का मतलब होता है शांत करना, टू सूथ। अस्वेज, सूत करना, अस्वेज करना, शांत करना, या पैसिफाई करना, शांत करना, मॉडिफाई करना। नेक्स्ट वर्ड आपका मोनोलिथिक। मोनोलिथिक होता है मैसिव, ह्यूज, बिग, बड़ा, विशाल, मोनोलिथिक कहलाता है। बनाया कैसे गया? मोनो का मतलब बिग होता है, लिथोमिस स्टोन, एक बड़ा पत्थर की तरह विशाल, मोनोलिथिक कहलाता है। अगला वर्ड मॉरीबंड। मॉरीबंड का मतलब होता है डाइंग, बिल्कुल मरने के कगार पर, ये कह सकते हैं On the brink of death, मृत्यु की कगार पर मॉरीबंड कहलाता है। देखिए बनाया कैसे गया, एक लिंक बना लेते हैं कि सोचो मौरी एक लड़की है, और ये बना लो बंद की, अगर किसी लड़की को कमरे में बंद कर दिया जाए, मौरी को कमरे में बंद कर दिया जाए, तो मॉरीबंड हो जाएगी, डाइंग हो जाएगी, मरने की कगार पर। अगला वर्ड मोरोस। मोरोस होता है सलेन, उदास कहलाता है, ग्लूमी कहलाएगा, सैड कहलाएगा, दुखी, उदास, मोरोस। इसकी हमने लिंक बनाई है, मोरोस को मोरोस में मरे से, ऐसे मरे से पड़े हुए हैं, दुखी हैं, उदास हैं, मोरोस कहलाता है। मेटामॉर्फोसिस, बड़ा बदलाव, बिग चेंज। माइक्रोकॉस्म, स्मॉल वर्ल्ड, छोटा संसार। मिल्यू, एनवायरमेंट, पर्यावरण। मिनिस्क्यूल, छोटा, टिनी। मेजरथ्रोपिक, हेटिंग मैनकाइंड। मिटिगेट, कम करना। क्वालिफाई, शांत करना, सूद करना। मोनोलिथिक, मैसिव, बड़ा।
वॉरीवाल्ट डाइंग मरने के कगार पर, और मोरोस होता है सलेन दुखी उदास मरे से। नेक्स्ट वर्ड, अगले वर्ड की ओर मूव करते हैं। चलिए तो नोट करते हैं नेक्स्ट वर्ड। पहला वर्ड है मॉर्टिफाई, MORTIFY, मॉर्टिफाई। मंडन, MUNDANE। म्यूनिफिसेंट, MUNIFICENT, म्यूनिफिसेंट। मायोपिया, MOYOPIA, मायोपिया। माइरियाट, MYRIAD, माइरियाट। नार्सिसिज्म, NARCISM, नार्सिसिज्म। नेबुलस, NEBULOUS, नेबुलस। नेफेरियस, NEFARIOUS, नेफेरियस। न्यूलॉजिज्म, NEOLOGISM, न्यूलॉजिज्म। नेलिज, चलिए नेपोटिज्म, NEPOTISM, नेपोटिज्म। चलिए फटाफट नोट करते हैं। पहला वर्ड, योर फर्स्ट वर्ड इज मॉर्टिफाई। मॉर्टिफाई का मतलब होता है ह्यूमिलिएट करना, बेइज्जती करना, इंसल्ट करना, डेनिग्रेट करना, ब्लास्फेम करना, बेइज्जती करना। एक लिंक बना लो लर्न करने के लिए, अगर हम किसी लड़के से कहें माटी खाएगी, तुमने मट्टी खाई हुई है, तो यानी हम उसको ह्यूमिलेट कर रहे हैं, बेइज्जती कर रहे हैं, इंसल्ट कर रहे हैं। अगला है मंडन। मंडन मीन्स होता है डल, बोरिंग, ऑर्डिनरी, साधारण कहलाता है, मंडन कहलाता है। एक शानदार निमोनिक है मंडन, से बना लो मुंडन, इसको पढ़ लो मुंडन, कि अगर किसी लड़के का मुंडन कर दिया जाएगा तो लड़का कैसा दिखेगा, मंडन दिखेगा, डल दिखेगा, साधारण दिखेगा। अगला है म्यूनिफिसेंट। म्यूनिफिसेंट होता है जनरस, काइंड, दयालु, उदार, सिंपैथेटिक, म्यूनिफिसेंट कहलाता है। म्यूनिफिसेंट का नाउन हो जाता है म्यूनिफिसेंसी। मायोपिया, माइपिया होता है नियर साइटेडनेस, निकट दृष्टि दोष। बीमारी होती है जिसमें इंसान को दूर का दिखाई नहीं देता है, माइपिया कहलाता है। और देखिए हिंदी में उल्टा लिखा होता है, इंग्लिश में अलग होता है, तो हिंदी में होता है नियर साइटेड, लेकिन होता है दूर करना दिखाई देना, माइपिया। और माइपिया को लर्न करने के लिए बढ़िया से निमोनिक बना लो, कि एक औरत कह रही है कि मायोपिया को, मायोपिया हो गया है, दिखाई नहीं देता है दूर का, नियर साइटेडनेस बीमारी। और मायोपिया से बन जाता है, मायोपिक एडजेक्टिव बन जाता है,
बायोपिक। अगला वर्ड माइलिएट। माइलिएट का मतलब होता है ह्यूज, मैनी, सेवरल, बहुत ज्यादा विशाल, कई। माइलिएट कहलाता है। जैसे एग्जांपल हो जाता है कि शेक्सपियर वाज अ माइलिएट माइंडेड पर्सन, कई दिमागों वाला व्यक्ति। अगला है नार्सिसिज्म। नार्सिसिज्म होता है लविंग वन सेल्फ वेरी मच, अपने आप से बहुत ज्यादा प्यार करने का सिद्धांत नार्सिसिज्म कहलाता है। बनाया कैसे गया? एक्चुअली में एक इंग्लैंड में जेंटलमैन थे, लड़का था नार्सिसस, और एक ऐसा लड़का था जिस लड़के को, इसके देखिए रूट वर्ड है कहानी है कि नार्सिसस एक लड़का था जिसको अपने परछाई से बहुत प्यार हो गया था, तो उसे इस वर्ड बना देगा कि जो नार्सिसस ऐसा व्यवहार करेगा वो नार्सिसिस्ट कहलाएगा, जो अपने आप से प्यार करेगा वो नार्सिसिस्ट कहलाएगा, और नार्सिसिस्ट का जो सिद्धांत होता है वो नार्सिसिज्म कहलाता है। पर्सन स्पीस नाउन है इसका। अगला वर्ड नेबुलस। नेबुलस होता है हेजी, अनक्लियर, अस्पष्ट कहलाता है, वेक, तो वीक, अनक्लियर, अस्पष्ट, हेजी, नेबुलस कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड आपका नेफेरियस। नेफेरियस होता है विक्ट, खराब, ग्लैरिंग, नोटोरियस, खराब, बेकार, नेफेरियस कहलाता है। अगला है नियोलॉजिस। नियोलॉजिस होता है यूजिंग न्यू वर्ड्स और न्यू फ्रेज, नए शब्द, नए वाक्यांश को यूज करने का सिद्धांत नियोलॉजिस कहलाता है। देखिए बच्चों याद रखिएगा, जहां पर इसम आता है इसका पार्टिसिपेस नाउन होता है और सिद्धांत बनता है। याद कैसे करोगे? न्यू मतलब न्यू, लॉजी मतलब वर्ड, न्यू वर्ड, यूजिंग न्यू वर्ड्स, नियोलॉजिस, और जो नियोलॉजिस फॉलो करता है वो नियोलॉजिस कहलाता है और इसका नाम नियोलॉजी। अगला है नेपोटिज्म। नेपोटिज्म का मतलब होता है फेवरेटिज्म, भाई भतीजावाद, अपने ही लोगों को फेवर करने का सिद्धांत नेपोटिज्म कहलाता है, यानी कि सपोर्टिंग वनसेल्फ। अपने ही परिवार के लोगों का सपोर्ट करने का सिद्धांत नेपोटिज्म कहलाता है, और जो नेपोटिज्म फॉलो करता है वो सिद्धांत नेपोटिस्ट कहलाता है। राजनीति में ये वर्ड बहुत यूज किया जाता है कि जो राजनेता अपने लोगों का सपोर्ट करते हैं वो नेपोटिस्ट कहलाते हैं और उनका सिद्धांत नेपोटिज्म कहलाता है। पहला वर्ड रिविजन कर लेते हैं। मॉर्टिफाई, ह्यूमिलिएट, बेइज्जती करना, मंडन, डल, बोरिंग, साधारण, मैग्निफिसेंट, जनरस, दयालु, मायोपिया, नियर साइटेडनेस, निकट दृष्टि, माइलिएट, मैनी, ह्यूज, नार्सिसिज्म, लविंग वनसेल्फ, अपने आप से प्यार, नेबुलस, हेजी, अनक्लियर, नेफेरियस, विक्ट, न्यूलॉजिस्ट, यूजिंग न्यू वर्ड्स, और नेपोटिज्म होता है फेवरेटिज्म कहलाता है, भाई भतीजावाद कहलाता है। अगला वर्ड चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट सेशन की ओर, नेक्स्ट वर्ड की ओर। अगले वर्ड आपके हैं पहला वर्ड निहिलिज्म, HNIHILISM निहिलिज्म। अगला है नॉमिनल, NOMINAL नॉमिनल।
और नेक्स्ट वर्ड आपका है नॉस्टल्जिया, NOSTALGIA, नॉस्टल्जिया। नोटोरियस, NOTORIOUS, नोटोरियस। नॉवेल, NOVEL। नॉक्सियस, NOXIOUS, नॉक्सियस। नुएंस, NUANCE, नुएंस। ऑब्डुरेट, OBDURATE, ऑब्डुरेट। ऑफस्केट, ऑफस्केट। ऑब्लिक, OBLIQUE, ऑब्लिक। चलिए नोट करते हैं फटाफट। पहला वर्ड आपका है निहिलिज्म। निहिलिज्म मतलब होता है बिलीविंग इन नो वैल्यू, कि दुनिया में किसी चीज की कोई वैल्यू नहीं है, सब बेकार है, या कह सकते हैं वर्थलेसनेस, निरर्थकता में विश्वास कि दुनिया में कुछ भी नहीं बचा है, वो सिद्धांत निहिलिज्म कहलाता है। और निहिलिज्म से बन जाता है निहिलिस्ट, जो इस सिद्धांत को फॉलो करता है वो निहिलिस्ट कहलाता है। देखिए बच्चे, इसको लर्न कैसे करोगे, लिख बना लो, निहिलिस्ट बना लो, नहीं, जो कहता है दुनिया में कुछ भी नहीं बचा है, सब खत्म हो चुका है, वो सिद्धांत फॉलो करने वाले निहिलिस्ट कहलाते हैं, और सिद्धांत निहिलिस्ट कहलाता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन। अगला है नॉमिनल। नॉमिनल में होता है ऑफ नेम ओनली, सिर्फ नाम मात्र का, नॉट इंपॉर्टेंट, जो इंपॉर्टेंट नहीं है, इनसिग्निफिकेंट, जो सिर्फ अपर्याप्त है, नाम मात्र का है, नया कहलाता है, नॉमिनल कहलाता है। लर्न करना बहुत आसान है, एक देखिए लिंक बना लो, नॉम से बना लो नेम, जो सिर्फ नेम मात्र का है, नॉमिनल कहलाता है। अगला है नॉस्टैल्जिया। नॉस्टैल्जिया एक बीमारी है, इसका मतलब होता है लॉन्गिंग फॉर पास्ट और होम, जिसमें इंसान को घर की बहुत याद आती है, पुरानी चीजें बहुत याद आती हैं, वो बीमारी नॉस्टैल्जिया कहलाती है। और जिस इंसान को नॉस्टैल्जिया लग जाता है वो इंसान नॉस्टैल्जिक कहलाता है। और बच्चों नॉस्टैल्जिक का मतलब होता है होमसिक, ग्रह रोगी। कैसे बनाया गया, नॉस्ट मीन्स होम, एल्जिया मीन्स सफरिंग, सफरिंग फ्रॉम होम, सफरिंग फॉर होम। बच्चों नेक्स्ट वर्ड आपका है नोटोरियस। नोटोरियस मतलब होता है कुख्यात, विक्ट कहलाता है, नेफेरियस कहलाता है, खराब कहलाता है। और नोटोरियस एडजेक्टिव है, इसका नाउन बन जाता है नोटोरिटी, और नोटोरियस का अपोजिट हो जाता है फेमस। क्या कहलाता है, फेमस। या कह सकते हैं नोटोरियस होता है नोन फॉर बैड, और फेमस होता है नोन फॉर गुड। जो इंसान अच्छे के लिए जाना जाता है वो फेमस है, और बुरे के लिए नोटोरियस है। अगला वर्ड नोबेल। देखिए नोबेल, वैसे तो नोबेल का मतलब, इसका मतलब उपन्यास भी होता है, फिक्शन भी होता है, उस तरह नोबेल का मतलब होता है न्यू, नया कहलाता है, और वैसे इसका मतलब फिक्शन भी कहलाता है।
तो नॉवेल मीन्स न्यू या फिक्शन, और जो पता नया होता है वो इनएक्सपीरियंस भी कहलाता है, अनुभवहीन कहलाता है नॉवेल। और पता है बच्चों एक ये वाला होता है, ये नॉवेल कहलाते हैं, ये नॉवेल प्राइज होता है जो, तो नॉवेल है नया, ये नॉवेल है अच्छा। अगला वर्ड नॉक्सियस। नॉक्सियस का मतलब होता है नाकुअस, हार्मफुल, हानिकारक कहलाता है। और नॉक्सियस का अपोजिट हो जाता है इनॉक्सियस, हार्मलेस कहलाता है। और नाकुअस का हो जाता है इनाकुअस, हार्मलेस कहलाता है। अगला वर्ड नुएंस। नुएंस का मतलब होता है सबटल डिफरेंस, एक छोटा मोटा अंतर, नुएंस कहलाता है, सबटल डिफरेंस कहलाता है। जैसे देखिए ये वर्ड्स, जैसे नाकुअस हार्मफुल होता है, नॉक्सियस भी हार्मफुल होता है, लेकिन दोनों के बीच में एक छोटा सा अंतर होता है और वो अंतर नुएंस कहलाता है, सबटल डिफरेंस कहलाता है। अगला है ऑब्डुरेट। ऑब्डुरेट होता है एडामेंट कहलाता है, स्टबर्न कहलाता है, हठी कहलाता है, जिद्दी कहलाता है, ऑब्डुरेट कहलाता है। लेकिन लो अब्दुल रेट की, अब्दुल अपने रेट के लिए ऑब्डुरेट है, अड़ियल है, जिद्दी है। अगला है ऑफस्केट। ऑफस्केट का मतलब होता है डार्कने, अंधकार कर देना, या इसका मतलब होता है टू मेक डिफिकल्ट, किसी चीज को कठिन बना देना, ऑफस्केट कहलाता है। और ऑफस्केट का नाउन बन जाता है ऑफस्केशन, नाम क्या हो जाएगा, ऑफस्केशन। नेक्स्ट वाला आपका है ऑब्लिक। ऑब्लिक मतलब होता है इनडायरेक्ट, देखिए एक या स्लैंट कहलाता है, देखिए एक निशान होता है जैसे ए ऑब्लिक बी, तो ऐसे इनडायरेक्ट तिरछा जो निशान होता है वो ऑब्लिक कहलाता है। रिवीजन कहलाते हैं नेहलिज्म, बिलीफ इन नो वैल्यू, कोई वैल्यू ना होना सिद्धांत, नॉमिनल नामात्र का, ऑफ नेम, नॉस्टैल्जिया होमसिकनेस बीमारी है, नोटोरियस कुख्यात, विक्ट नॉवेल न्यू नया, नॉक्सियस नाकुअस हार्मफुल, नुएंस सबटल डिफरेंस छोटा मोटा अंतर, ऑब्डुरेट एडमेंट अड़ियल, ऑफस्केट डार्केन अंधकार बना देना, और ऑब्लिक होता है इनडायरेक्ट या तिरछा। आइए अब नेक्स्ट और लास्ट पड़ाव की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला पड़ाव और इस वीडियो के लास्ट 10 वर्ड्स हैं, आइए डिस्कस कर लेते हैं। पहला वर्ड आपका है ऑब्लिवियन, ओ बी एल आई वी आई ओ एन, ऑब्स्क्योर ओ बी एस सी यू आर ई, ऑब्स्क्योर। ऑब्सेक्यूएस O B S E Q U I O U S, obsequious। Obtuse O B S T U S E, obtuse। Officious O double F I C I O U S, officious। Onerous, O N E R O U S, opaque, O P A Q U E, opaque। Opulent,
OPULENT, ऑर्थोडॉक्स ORTHO DOX, और नेक्स्ट लास्ट है आपका ऑस्टेंसिबल OSTENSIBLE ऑस्टेंसिबल। चलिए फटाफट नोट करें। पहला वर्ड ऑब्लिवियन। ऑब्लिवियन का मतलब होता है टोटल फॉरगेटफुलनेस, पूर्णतया भूल जाना, या कह सकते हैं अब्सेंट माइंडेडनेस, भुलक्कड़पन ऑब्लिवियन कहलाता है। जैसे आप कुछ भी भूल जाते हैं, याद नहीं रहता है, तो ऑब्लिवियन कहलाता है। और ऑब्लिवियन नाउन है, इसका एडजेक्टिव बन जाता है ऑब्लिवियस, अब्सेंट माइंडेड। देखा होगा बहुत लोग होते हैं भूल जाते हैं कि कब क्या बोला उन्होंने। अगला है ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर का मतलब होता है कठिन, जटिल। ऑब्सक्योर मतलब होता है नॉट क्लियर। ऑब्सक्योर मतलब होता है डिफिकल्ट। ऑब्सक्योर का मतलब होता है एसिडुअस, जो चीज स्पष्ट ना हो, क्लियर ना हो, ऑब्सक्योर कहलाता है, जटिल कहलाता है। इसे ओवल कह सकते हैं, इसे इलिप्टिकल कहलाते हैं, इसे हार्ड टू अंडरस्टैंड कहलाते हैं। ऑब्सक्योर कहलाता है, जटिल कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड आपका है ऑब्सेक्वियस। ऑब्सेक्वियस मींस होता है फनी, या एक्सेसिव पोलाइट, बहुत विनम्र, चापलूस, ऑब्सेक्वियस कहलाता है। देखिए बनाया कैसे गया, यहां पर एक रूट है सिक्योर। सिक्योर मींस होता है फॉलो, और मींस होता है आफ्टर, फॉलो आफ्टर यू, जो आपके पीछे पीछे चलता रहता है, आपसे यस सर सर करता रहता है, वो आपसे किस कहलाता है। अगला है ऑब्टूस। ऑब्टूस होता है इनसेंसिटिव। संवेदनहीन कहलाता है, नॉट इमोशनल, जो इमोशनल नहीं है, बुद्धू है, ऑब्टूस कहलाता है। लिंक बना लो कि आप अपने दोस्त बोलो कि अब तू बहुत ऑब्टूस हो चुका है, इनसेंसिटिव हो चुका है, बुद्धू हो चुका है। ऑफिशियस, देखिए ऑब्सेक्वियस और ऑफिशियस दोनों से मीनिंग है, इसका भी मतलब होता है टू ईगर टू हेल्प, यानी वह इंसान जो आपकी हेल्प के लिए बहुत ज्यादा तैयार रहता है, इसे हम फानी कह सकते हैं, चापलूस कहलाता है, ऑफिशियस कहलाता है। लिंक बना लो कि हर ऑफिस में कुछ ऑफिशियस एम्प्लॉय होते हैं, जो बॉस के लिए बड़े चापलूस होते हैं। अगला है ऑनरस। ऑनरस हो जाता है वर्डेंसम, ट्रबुलसम, कष्टकारक, डिफिकल्ट, ऑनरस कहलाता है। अगला है ओपेक। ओपेक मतलब होता है इम्पॉसिबल टू सी थ्रू, जिसके आर पार देखना मुश्किल होता है, दिखाई नहीं पड़ता है, न लाइट जाती है, प्रकाश जाता है, ओपेक कहलाता है। और ओपेक का अपोजिट हो जाता है ट्रांसपेरेंट कहलाता है, पारदर्शी कहलाता है। और एक ट्रांसलूशेंट वर्ड होता है बच्चों, ट्रांसलूशेंट का मतलब होता है, ट्रांसलूशेंट का मतलब होता है सेमी ट्रांसपेरेंट, अर्ध पारदर्शी कहलाता है।
यानी कि जिसके आर पार प्रकाश जाता है आप देख सकते हैं ट्रांसपेरेंट, ना प्रकाश जाता है ना देख सकते हैं ऑपुलेंट सॉरी ओपेक, और ट्रांसल्यूशेंट होता है जहां पर प्रकाश जाता है लेकिन आपको दिखाई नहीं पड़ता है, वो सेमी ट्रांसपेरेंट कहलाता है, ट्रांसल्यूशेंट कहलाता है। अगला है ऑपुलेंट, ऑपुलेंट का मतलब होता है वेल्दी, पैसे वाला ऑपुलेंट कहलाता है। ऑपुलेंट का मतलब होता है अफ्लुएंट, जिसके पास बहुत पैसा जाता रहता है, और ऑपुलेंट का नाउन बन जाता है ऑपुलेंस, वेल्थ कहलाता है, और अफ्लुएंट का नाउन बन जाता है अफ्लुएंस, पैसा संपत्ति कहलाती है। दोस्तों नेक्स्ट वर्ड आपका है ऑर्थोडॉक्स, ऑर्थोडॉक्स का मतलब होता है अनकन्वेंशनल, अनट्रेडिशनल, जो कॉन्वेंशनल नहीं है, परंपरागत नहीं है, ट्रेडिशनल नहीं है, ऑर्थोडॉक्स कहलाता है। और अपोजिट हो जाता है सॉरी ऑर्थोडॉक्स होता है कॉन्वेंशनल या ट्रेडिशनल, परंपरागत, और अपोजिट हो जाएगा अनऑर्थोडॉक्स, अनकॉन्वेंशनल, अनट्रेडिशनल। लास्ट वर्ड आपका है ऑस्टेंसिबल, ऑस्टेंसिबल मतलब होता है जो चीज बहुत ज्यादा स्पष्ट है, अपेरेंट कहलाता है, जो बहुत स्पष्ट है, क्लियर है, अपेरेंट, क्लियर कहलाता है, ग्राफिक कहलाता है, विविड कहलाता है, लूसिड कहलाता है, स्पष्ट, क्लियर, अपूरे, अपेरेंट कहलाता है, ऑस्टेंसिबल कहलाता है। आइए रिवीजन कर लेते हैं। ऑब्लिवियन, टोटल फॉरगेटफुलनेस, अब्सेंट माइंडेड, भूलक कल्पन, ऑब्स्क्योर, जटिल, कठिन, नॉट क्लियर, ऑब्सिक्वियस, फॉलिंग, चापलूस, ऑब्टूस, इनसेंसिटिव, बुद्धू, ऑफिशियस, टू ईगर टू हेल्प, हेल्प करने के लिए बहुत उत्सुक रहने वाला, ऑनदस, बर्डनसम, मुसीबत से भरा हुआ, ओपेक, इम्पॉसिबल टू सी थ्रू, आर पार ना देखा जा सके, ऑपुलेंट, वेल्दी, पैसे वाला, ऑर्थोडॉक्स, कॉन्वेंशनल, परंपरागत, और ऑस्टेंसिबल, अपेरेंट, स्पष्ट, क्लियर। तो दोस्तों ये थे आज के 50 पावरफुल वर्ड्स। उम्मीद है आपको ये वर्ड्स अच्छे लगे होंगे, पसंद आए होंगे, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अपने इस फेवरेट चैनल इंग्लिश मास्टर को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।